डिजियाना न्यूज़ के हमारे सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आरोन नगर में रघुवंशी समाज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर रामवीर सिंह एवं डॉक्टर के श्रीवास्तव, डॉक्टर के पी रघुवंशी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं जिज्ञासा का समाधान भी किया गया। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। राहुल रघुवंशी, आपने इस पुनीत अवसर पर नव वर्ष की शुभकामना के रूप में आपने इस कार्य को प्रारंभ किया है, एक बहुत ही शुभ कार्य है। इसके लिए मैं जो आपकी आयोजन समिति है उसको विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि युवा लोग आगे आए हैं और प्रेरणा स्रोत हमारे रघुवंशी जी बने हुए हैं। तो रघुवंशी जी की विशेष प्रेरणा से ही हुआ है और स्थान भी आपने बहुत अच्छा चुना हुआ है। इसके लिए भी मैं सभी लोगों को विशेष रूप से रघुवंशी साहब अपने जिले से आए हुए हैं, सेनेटर साहब आए हुए हैं, उनका विशेष रूप से प्रयास रहता है, सभी क्षेत्रों प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक रक्तदान हो। और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जैसे भी चर्चा लगी थी कि फतेहपुर बमोरी में भी गए हैं और आपने वहाँ से भी लोगों को प्रेरित किया है, तो एक बहुत पुनीत कार्य में लोगों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना एक अपने आप में एक ये भी बड़ा कार्य है। आरोन तो मेरा अभी 6-7 महीने का अनुभव है कि हर कार्य में अग्रणी है और यहाँ से ही शुरुआत होती है, सभी जगह काम प्रारंभ होता है। और उनसे हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आज से चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस तथा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। आज के दिन समस्त हिंदू घरों में देवी घट स्थापना की जाती है। दरवाजों पर बंदरवाड़ तथा घरों के शीर्ष पर ध्वजा पताका लहराई जाती है तथा समस्त धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजन पाठ का आयोजन भी किया जाता है। इस अवसर पर चांचौड़ा नगर चंपावती नगरी में हिंदू उत्सव समिति द्वारा बैंडबाजों तथा डीजे के साथ विशाल जुलूस नवरात्र नववर्ष का शुभकामना संदेश देने हेतु छान सरकार के यहाँ से प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रत्येक गली से निकाला गया, जिसमें हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह रघुवंशी के साथ साथ नगर के सभी धार्मिक प्रबुद्ध जन तथा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चांचौड़ा थाने के सामने नामदेव समाज नवयुवक मंडल ने जुलूस का ठंडाई पिलाकर व पुष्प वर्षा का स्वागत किया। इस दौरान नामदेव समाज के जिला मीडिया प्रभारी शिवम नामदेव, संगठन मंत्री चंद्रमोहन नामदेव, सत्तू नामदेव, दिलीप, धर्मेंद्र, योगेश के साथ साथ अन्य समाज के सभी समाज से भी उपस्थित रहे, जिन्होंने समाज बंधुओं के तथा नगर वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। समाज के सभी वर्गों ने हर्षोल्लास के साथ नववर्ष मनाया। नगर में सारे दिन धार्मिक आयोजन किए गए तथा नगर में नववर्ष का उत्साह देखने को मिला। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। अप्रशिक्षित शिक्षकों को सरकार के द्वारा कराई जा रही डीएलएड की क्लासेस, जो कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगना चाहिए, जिसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक जो कि कक्षा में पढ़ाते हैं उनको प्रत्येक कक्षा के लिए 500 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जिससे अप्रशिक्षित शिक्षकों को कोई दुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन चांचौड़ा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक क्लास लेते हैं जिन्हें कभी बच्चों की क्लासेस तक नहीं ली, और वह भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड की क्लासेस ले रहे हैं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांचौड़ा में क्लास नहीं लगती, और यदि लगती हैं तो समय पर नहीं लगती, जिससे डीएलएड कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कोऑर्डिनेटर नाथू सिंह भील हैं, लेकिन जब भी क्लासेस लगती हैं तो वहां पर भी उपस्थित नहीं रहते। आज रविवार का दिन होने के बावजूद भी डीएलएड की क्लासेस नहीं लगी, बल्कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांचौड़ा जो कि इसका केंद्र है वहां पर ताला लटका मिला, जिससे अप्रशिक्षित शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस भीषण गर्मी में निराश होकर वापस अपने घरों की ओर लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर जब पत्रकार शिवम नामदेव ने कोऑर्डिनेटर नाथू सिंह भील व प्राचार्य नायक सर से बातचीत की, ऐसी कोई बात नहीं है, आज नववर्ष का दिन था तो सभी शिक्षक थोड़े व्यस्त थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा
कि आज NIOS की दिल्ली की टीम भी निरीक्षण करने आई हुई थी, लेकिन उनको भी चाचौड़ा केंद्र पर ताला लटका हुआ मिला। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। सकतपुर में रहने वाले ग्रामवासी पहुंचे विधायक पन्नालाल के पास ज्ञापन देने। इन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन मनमाने तरीके से इनकी दुनिया उजाड़ना चाहता है। वहीं ग्रामवासियों ने कहा कि हम 2008 से सकतपुर में निवास कर रहे हैं और हमने यहां पर झोपड़ियां बनाई हैं। वहीं सारी जमीन हमने किसी व्यक्ति से खरीदी है और अगर कुछ गलती है तो उसे बेचने वाले की गलती है, तो इसका कारण उसे बेचने वाले से प्रशासन से बात करनी चाहिए, ना कि गरीब ग्रामवासियों से। बता दें कि सकतपुर मरगढ़शाला की जमीन पर कुछ व्यक्तियों ने प्लाट बनाकर बेच दिए, जिसके बाद वहां पर कई परिवार निवास करने लगे, जिन्हें प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही एक नोटिस जारी किया कि वह 5,000 रुपए का अर्थदंड तहसील कार्यालय में जमा कराएं और अपने मकानों को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो प्रशासन उन्हें गिरवा देगा। समस्या पर है कि जब वहां पर प्लाट बेचे जा रहे थे तब यह प्रशासन कहां था, और आज गुना में कई अतिक्रमणकारी अतिक्रमण का जाल बिछाए हुए हैं। साथ ही शहर का अतिक्रमण क्यों प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामवासियों की माने तो जिसने ये जमीन बेची है वह एक प्रतिष्ठित नेता का करीबी माना जाता है। सर हमने ये जमीन ली थी जो आगे हमने ली थी और सर यहाँ पे सब लोग हम 8-9 अब तहसीलदार परिवार हमारे लिए नोटिस भेजा रहे हैं जो हमारे मकान तोड़ना चाहते हैं, और सर हमसे 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं जो हमारे पास देने की इतनी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है जो हमसे हम 5,000 रुपये भर चुके हैं, क्योंकि हमने एक बार पहले भर के देख लिए हमारी किसी कोई मदद नहीं हुई, हमको एक रसीद मिल गई थी जिस रसीद से हम कुछ भी नहीं हो रहा उससे, और वहाँ पर गए थे तो तहसीलदार बोलने लगे हमसे कि 5,000 रुपये और लेके आओ, जब बात करेंगे नहीं अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे। ये सर हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, इसलिए हम सर 5,000 रुपये भी हम पैसे नहीं भरना चाहते, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम तो गरीब हैं सर, इतनी हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम 5,000 रुपये भर चुके हैं। ये तो मरगढ़शाला की जमीन थी ना जिस पे आप लोग रह रहे हो? अरे सर ये तो सर मरगढ़शाला की जमीन थी तो मरगढ़शाला की जंगे में ही, लेकिन इतनी में थोड़ी ना मरगढ़शाला इतनी फैली हुई है, इतनी व्यवस्था ठीक है मरगढ़शाला के लिए, और जो जनता रह रही है वो फिर जाएगी बेचारी। कौन से गांव से आए हो? सकतपुर से आए हैं, ग्राम पंचायत सकतपुर से, जहाँ पे हमने हमारा निवास किया था, थोड़ी थोड़ी झोपड़ा पट्टी बनाई थी, 25-30 का प्लाट काट के हम सब भाइयों ने मिलकर छोटे छोटे बड़े बड़े मकान बनाए थे। अब ये गरीबों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तहसीलदार पटवारी से कह रहे हैं कि 5,000 रुपये लेके आओ, जब अन्यथा 7 दिन के अंदर आपके मकान गिरा दिया जाए। हिंदू नववर्ष सक संवत 2075 के आगमन पर सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी गई। वहीं नववर्ष एवं गुड़ी पड़वा एवं नवरात्रि के चलते पूजा अर्चना एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ नया साल का शुभारंभ आम जनमानस ने किया। इसी कड़ी में आज सुबह से ही टेकरी परिसर में नूतन नववर्ष की अगवानी करते हुए माँ आरती की गई। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर एवं मंगल कामना के साथ अपना नववर्ष शुरू किया। आज सुबह से ही टेकरी धाम पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सभी अपना नूतन नववर्ष भगवान की पूजा अर्चना कर शुरू करने की लालसा में मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं आज से ही नवरात्रि का पहला दिन है, इसी के चलते सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।
नववर्ष की इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने एक वाहन रैली शहर के मध्य से निकाली। रैली दशहरा मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मां निहाल देवी मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। वहीं मां निहाल देवी मंदिर पर नवरात्रि के चलते विशेष पूजा अर्चना एवं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। बता दें कि आज शहर भर में नववर्ष एवं नवरात्रि के पहले दिन की धूम सुबह से ही दिखाई दे रही थी। सभी अपने अपने तरीकों से माता को मनाने एवं रिझाने में जुटे हुए थे। साथ ही हिंदू कैलेंडर का पहला दिन होने के चलते भी सभी जनमानस एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दिए। नियमितीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चलता आ रहा है, उसमें नई नई चीजें भी देखने को आ रही हैं। आज मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच इकाई गुना के बैनर तले करीब 32 विभागों में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों ने पहले तो भीख मांगी और उसके बाद सरकार की मानसिक स्थिति सुधारने हेतु यज्ञ किया। समझ से परे है कि इतने बड़े पैमाने पर किए जा रहे धरना प्रदर्शनों के बाद भी क्यों सरकार अपनी चप्पी नहीं तोड़ पा रही और न ही इन सभी कर्मियों का कोई भला कर पा रही है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि इस तरह के धरना प्रदर्शन जारी होने के चलते आमजनों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं विभागों में भी इसका खासा असर देखने को भी मिल रहा है। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हमारा हड़ताल का चौथा दिन है। चौथे दिन के अंतर्गत हम लोगों द्वारा, हमारे समस्त साथियों द्वारा, संविदा कर्मचारी द्वारा, 32 विभाग के कर्मचारी जो है, उन्होंने आज भीख मांग कर सदस्यों से, यहाँ राहगीरों से भीख मांगी गई। इसके बाद हमने शासन प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु उनको, उनके लिए यज्ञ किया जा रहा है। ये यज्ञ है यहाँ पे, जिससे उनके दिमाग में ईश्वर ये प्रदान करे कि इन लोगों को नियमित किया जाए। इस हेतु ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। यहाँ पर जितने भी ये 32 विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, ये लोग, हम सिर्फ अधिकारी कर्मचारी हैं। हमको एक ही मांग है हमारी, नियमितीकरण। गुड़ी पड़वा के अवसर पर मनाए गए पतंजलि योग समिति द्वारा विश्व महिला दिवस, इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंचन किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर नशा मुक्ति, देश प्रेम, स्वदेशी अपनाने, योग के प्रति रुझान बढ़ाने आदि के लिए महिलाओं को प्रेरित भी किया गया। आयोजकों के अनुसार महिला पतंजलि समिति हर साल गुड़ी पड़वा के दिन ही महिला दिवस मनाती है। यह समिति गाँव में जाकर लोगों को योग के प्रति जागृत भी करती है और स्वदेशी अपनाने को भी बल देती है। तो गलत नहीं होगा, आज की भारतीय नारी लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इतिहास के पन्नों में यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय नारी ने पुरुष को प्रतिष्ठा और उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करने के लिए स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। कहते हैं प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, चाहे वहाँ माँ हो, बहन हो, पत्नी, किसी भी रूप में हो सकती है।
कार्यक्रम है महिलाओं से संबंधित और हम लोग महिला पतंजलि समिति से जुड़े हुए हैं। मकसद ये है कि बहनें जागरूक हैं और स्वास्थ्य के प्रति और स्वदेशी के प्रति हमारे देश की चीज़ों का उपयोग करें। बहनें अधिक से अधिक हम चाहते हैं अधिक से अधिक बहनें योग से जुड़े, क्योंकि योग से जुड़कर बहनें अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं। अगर योग से जुड़ेंगी तो उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और पूरा परिवार के साथ साथ वो हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुधार सकती हैं। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ और भी जैसे नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसके बाद रैलियां निकालते हैं जन जागरण के लिए कि जो गांव का गरीब आदमी है वो भी इससे लाभान्वित हो। जो वहाँ से हरिद्वार से हमें निर्देश मिलते हैं वो गांव के अंतिम आदमी तक वो निर्देश पहुँचे। हमारा प्रयास यही है बहनों को गैदरिंग करने का। राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय बहुत संगठन मनाते हैं, लेकिन महिला पतंजलि योग समिति एक ऐसी है जो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में गुड़ी पड़वा के दिन हमने चुना है, उस दिन हम मनाते हैं। मकसूदनगढ़ भोपाल रोड पर दो मोटरसाइकिलों में आपस में भिड़ंत हो गई, इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी मकसूदनगढ़ पुलिस को लगी तो हरिचरण मीना आरक्षक रावत मौके पर पहुंचे और घायलों को उठाकर मकसूदनगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर मुकेश शर्मा ने तीनों घायलों का इलाज किया जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। डीजीआरआई न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।